हमारा टक्कर हुई फिर मैं नीचे गिरी, मतलब मैं पर ब्रूनो को पकड़ लिया, मैंने ब्रूनो को नीचे नहीं गिरने दिया। इतनी तेज से जोर आ रहा, चिल्ला रहा था। Hi guys, what's up? Welcome back to another vlog. Good morning. ये ब्रूनी भाई साहब यहाँ बैठे हैं एंड अभी पता क्या हुआ है, मतलब एक तो मेरा फ्रेंड वापस आ गया है यहाँ पर, पता नहीं मैं कुछ कर लूँगा इस, वो चाहे पानी पी लो चाहे मैं स्किन केयर कर लूँ, मेरे ये फ्रेंड्स आते रहते हैं, मेरे भी अनवांटेड फ्रेंड्स हैं जिसको हम नहीं चाहते फ्रेंड्स रखना, बट ये फ्रेंड्स भी फ्रेंड्स रहते हैं। एंड एक और चीज़, मैं एकदम से अभी मॉर्निंग एकदम से बहुत ही एक्स्ट्रा मॉर्निंग हो गई थी क्योंकि मैं उठी नहीं थी वैसे, बट मैं नींद में थी और फिर ये ब्रूनी भाई साहब बाहर यहाँ वरान्डे में इतनी तेज से रो रहा था, चिल्ला रहा था और भाई मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम से भागी, यहाँ बैठ के कर रहा था और फिर पापा ने बताया कि किसी के साथ खेल रहा था बच्चे के साथ, वो भागा, फिर भैया साइकिल वाले भैया आ रहे थे और फिर वो पीछे साइकिल के पहिए से थोड़ा सा अड़ गया, बट हो भाई हमारी ऐसे जान निकल गई, मेरी भी ऐसे जान निकल गई थी क्या हो गया, बट ये बेटर लग रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इसको ड्राइंग रूम में जाना बहुत पसंद है बट हम इसको एंट्री नहीं देते क्योंकि वहाँ एक गंद खाता है, वो मैट के वो निकाल निकाल के फांदे की बोल रहे हैं, बट छोड़ो जो भी है तो ये हुआ, बट अब बेटर है, इसने पनीर वनीर खाया, अब इसको फिर से दवाई दे दूँगी, लगी नहीं है वो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर लग जाती फिर इसको रेस्ट कराना, ये देखो हरकत देखो, बट लकली भगवान जी की कृपा से गुरु जी की कृपा से बच गया ये, तो वेरी लकी। तो बस चिल्ला रहा था ना तब हमें लगा पता नहीं मम्मा को भी मुझे भी क्या हो गया, वैसे भागे थे बट टच वर्ड बहुत सब सही है। और आज का प्लान्स ये है, एक तो इसकी वैक्सीनेशन है आज तो इसके लिए जाना है, और सेकेंड है और मेरे को आज मुस्कान से मिलने जाना है, वो भी है, वो आई हुई है वहाँ बैंगलोर से, तो मैं उससे मिलने जाऊँगी, उसका बर्थडे है तो मेरे को उससे मिलना है, तो हमारा ये प्लान बना है, मुस्कान से भी मिलेंगे, फिर आज शायद जब प्लान था मंदिर जाने का भी वो भी था, उसके बाद फिर प्लान था कि मैं सफाई स्टार्ट करूँगी आज का, वो भी है, सफाई का मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा आज का पूरा स्केड्यूल बहुत ज़्यादा ही पैक्ड है, मुन्नी भाई साहब को भी पता नहीं है क्या होने वाला है, बट ऑलरेडी इसके इंजेक्शन के लिए जा रहे हैं, आज अब मिल लो ठीक है, पिछली बार बोल दिया था कि मिली भी नहीं मैं, आ जाओ ये देखो कपड़ा नहीं, कपड़ा नहीं छोड़ो ना क्या करेगा, आओ रुनी चल रुनी आ जा थोड़ा बहुत, रुनी आ जा चले आ जा चलो, अब इसकी फटाफट वैक्सीनेशन कराते हैं, फिर मेरे को मुस्कान का केक भी लाना है, फिर इसका आज कॉलर भी लेके आएंगे, दो तीन काम है, हाँ कान साफ कराना है इसके और आज नेल्स भी कटवाने हैं, नहीं बोला था वैक्सीनेटेड है ये यार, काटता है थोड़ा सा आजकल, खेलता है ना मुन्नी, चले मुन्नी चले चलो आ जाओ, नहीं गर्दन वाला नहीं बस एक कॉलर लूंगी वो बांधने का नहीं, वैसे आ जा फिर क्या रहेगी तो फिर बांधने के लिए देखने के लिए चलो आ जा, आपने गलत बजा दिया इसको रुनी, चल अभी तो कुमार साथ आ रहा था पीछे पीछे भी, चलो जा रही हूँ हॉर्न बजा रहा है हर्ष, बार बार इसको लेके चलते जल्दी, चलो ब्रुनो
हाय गाइस, ब्रूनो के वैक्सीनेशन करा के आ गए, बट उसके बीच में इतना सारा कुछ हो गया ना, आज मेरे को लगता है ब्रूनी का दिन ज्यादा अच्छा नहीं है। अभी कर लो भैया सारी टक टक अभी तक स्टार्ट नहीं करा था तो कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही थी। हाँ तो मैं ये कह रही, क्या हुआ, हम जा रहे थे रास्ते में, पहले तो एकदम से एक लड़की आ गई भागते हुए रास्ते में, तो हर्ष ने ब्रेक मारा, फिर हम दोनों बच गए, हम गिरे नहीं थे मतलब। उसके बाद फिर हम रास्ते, और इतनी भीड़, मैं बता रही हूँ, एक तो मार्केट के रास्ते से हमें जाना पड़ता है क्योंकि हम गाड़ी लेके जा नहीं सकते, उस पर एक्स्ट्रा भीड़ है, वो तो हम पहुँचेंगे ही नहीं, अभी तक हम पहुँच ही नहीं पाते, अंकल तब तक अपनी पेटी बांध के चल पड़ते हैं शॉप को बंद बंद करके। हाँ जी, तो अभी पानी, ब्रूनो का पानी आ रहा है, बट ये हाँ ये हुआ कि एकदम से फिर हम वहाँ से फिर से आगे बढ़े, फिर हम रास्ते से इधर उधर छोटे मोटे गलियों से निकाल रहे थे क्योंकि बहुत जाम था, बहुत ज़्यादा ही जाम था। उसके बाद हम फिर एक गली से नॉर्मल जा रहे थे, चौराया आया, एक अंकल इतनी स्पीड से जा रहे थे आंटी के साथ, वो एकदम से हमारा टक्कर हुई फिर मैं नीचे गिरी, मतलब मैं पर ब्रूनो को पकड़ लिया, मैंने ब्रूनो को नीचे नहीं गिरने दिया, तो ये ठीक है, बट इसका दिन आज नजर उतरवानी पड़ेगी, आज का थोड़ा सा गंदी है ये, थोड़ी पानी से धो ले। फिर जैसे लकीली ब्रूनो हमारा बच गया, ब्रूनो हमारा पकड़ा गया, फिर इसका वैक्सीनेशन हो गया, आज ये डरा नहीं, बट थोड़ा सा उस टाइम डर गया था जब ये ना लड़ाई वड़ाई हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अंकल गलत आ रहे थे तो पॉइंट तो बोला जाएगा, फिर इसकी चप्पल का नुकसान हो गया, सब कुछ हो गया, बट ये है मेरे को, मैंने पकड़ लिया ब्रूनो को, ब्रूनो को नहीं गिरने दिया, ब्रूनो हमारा ऑल गुड है, इसको अभी अभी हम फिर से वहीं आ गया। एक तो हमारा ऑब्सेशन जब मेरा स्टार्ट हो जाता है तो मेरे को वो चीज़ें चाहिए होती है, क्या ब्रूनो पानी पी ले, क्यों बाल बाल देखो इसकी चप्पल का भी वाट लगी है। आज का दिन कैसा था, एपिक, और फिर साहिल पीछे से आया, बस हाँ बस पी लिया, फिर साहिल पीछे से आया, फिर बहुत थोड़ा क्लॉस हो गया था क्योंकि वो मान ही नहीं रहते, उनकी गलती है, फिर छोड़ो हम फिर निकले, मैंने कहा चलो चलो, फिर थोड़े से अब शब्द निकल गए थे दोनों, ये दोनों तो ऐसे छोड़ गए, मैंने कहा बस करो भाई, जाओ अंकल अब जाओ, कहते यार मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ, मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ, उनकी उनकी वाइफ बोलती है वो अच्छा काम, कहते हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उनको पता था उनकी गलती और हमें ना बोले कुछ। हाँ छोड़ो, बहुत उड़ते आ गए भाई, हमें एकदम से टक्कर हुई ना, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, बट लकीली मैंने बचा लिया ब्रूनो को। फिर पीते हैं, बर्गर ऑर्डर करा, फ्राइज ऑर्डर करिए, ये सब खाते हैं, फिर घर चलते हैं आज। और फिर ब्रूनो का एक कॉलर भी लिया है हमने गाइस, ये दिखेगा नहीं, घर जाके ही दिखाऊंगी, इस पर क्या बनाऊंगा, ओए वो बना कैप्टन अमेरिका का वो गोले गोले। गाइस कॉफ़ी बच गई है, ये सब खा लिया, अब दिखा रही हूँ, बट यस कॉफ़ी पी के घर जाते हैं। इस बैक ऑफ ऑफ ब्रूनो घंटी से परेशान हो रहा है बार बार, ब्रूनो मम्मी बुला रही है, ये देखो इसको घंटी इरिटेट कर रही है, वो नहीं, वो जो बेल्ट आती है वो उनने बोला वो 6 महीने के बाद, क्योंकि बड़े हो जाते हैं ना अभी, इतने इनको जरूरत नहीं होती, ये कॉलर बस ऐसे है कि पहन के जैसे नाम वाले आते हैं, ये घंटी वाला है, आपको पता चल जाएगा कहाँ जा रहा है, क्या लगा दिया गले में छुटकियां, नहीं लूज है बहुत ज्यादा, नॉर्मल कपड़े वाला पट्टा है, अभी थोड़ा यूज टू होगा ना, अभी यूज टू नहीं, अब घंटी बजी है, चंचन ब्रूनी आ जाए इधर, कैसे हुआ भाई एक्सीडेंट क्या हुआ भाई, मम्मी बस दो बार बचे हम, गिरे हम एक बारी, एक बारी में तो गिरे ही, एक बारी ए देखो क्या हो गया, क्या हो गया ब्रूनी, बेल बज रही है, चलो मम्मी को इंसिडेंट बताते हैं जो जो हुआ, फिर मिलती हूँ गाइस अब थोड़ी देर में ना, मेरे क्यों थी, डॉक्टर ने इसके मम्मी ये भी दिया है, हड्डी दे दे इसको, हड्डी दी है, ये ले, ये मिल्क बोन होती है जो भी होती है, ये दिया है इसके उसके लिए बेनिफिट के लिए, पोटेशियम बोन सॉरी हड्डी बोन मिल्क बोन जो भी है मिल्क बोन ही है, अब दूध ही है, दे दे ले, सुंघा पहले उसको, सुंघाया कर सारी चीजें, ले ले ब्रूनी, अभी ये यूज टू होगा, जानेगा इसको तब लेगा, तुम पहले ये ले, अरे ले ही नहीं रहा अभी तो,
चलो यूज्ड होगा तब खाएगा ये. 2000 years later. Hi guys, शाम हो गई है. Change of plans. ब्रूनी भाई साहब सो रहे थे, एकदम से उठ गया. तो चेंज ऑफ प्लान्स, अभी मेरे को मुस्कान से मिलने जाना था, बट शी इज़ बिजी क्योंकि उसकी कल फ्लाइट है, तो थोड़ा उसमें बिजी है. एंड कल उसका बर्थडे है तो इसलिए उसके रिलेटिव्स आए हुए हैं, तो गुड रीज़न. ऑब्वियसली मैं इसमें उसको टाइम वेस्ट, मतलब मैं उसको उसका मोमेंट नहीं चुराना चाहती, तो मैं इसलिए ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करा. बट उसने बोला वो थोड़ी देर में आ जाएगी जब फ्री होगी, तो आई एम एक्साइटेड. अगर वो टाइम निकाल के आती भी है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कल फ्लाइट है, बंदी की पैकिंग रहती होगी, सब रहती होगी, तो गाया जाए उसका ना आना. तो वो हो गया. अभी मम्मी के साथ मैं टेलर के होके आई थी, क्योंकि मम्मा को अपना वो करवा चौथ का ब्लाउज वगैरह सब कुछ समेटना था, वो सब चीज़ें भी हो गई है. फिर और क्या था, मेरे को अभी शाम में वैसे मेरा प्लान था कि मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि मेरे को कवर वगैरह फ़ोन के लिए देखना है, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट वाले से ना थोड़ा बोर हो गया. मुझे ना कैरेक्टर चाहिए अपनी लाइफ में, थोड़ा स्पाइस चाहिए, आप समझ रहे हो, थोड़ा स्पाइस नहीं आ रहा हमारे लाइफ में ना, समझ लो, मतलब बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट. देखो, अच्छा इससे तो दिखेगा नहीं, मैं फ्रंट कैमरे से कर रही हूँ, डम हूँ मैं बिल्कुल. तो हमें कैरेक्टर चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा था मैं कवर लेने जाऊँगी, बट वो कवर की शॉप बंद होती है आज, तो इसलिए वो भी कैंसिल हो गया. दिवाली की सफाई याद आ गई बिल्कुल एकदम से, मैं देख रही हूँ अपने सामने इतना बड़ा हो सब कुछ शो पीस टाइप सा. अब मैं या तो मैं अभी गाइज नहीं करना चाहती, अभी मैं मम्मी के पापा के साथ चाय वाय भी पिया, मम्मी पापा ऊपर है बालकनी में, मैं सोच रही हूँ तो मैं स्टार्ट कर दूँ, स्टार्ट करते हैं अभी थोड़ी देर में ना, मेरी एक दो वीडियो बची है यूट्यूब पे देखनी है, थोड़ा चिल करती है पहले. पानी बहुत प्यास लग रही है, मेरे को ये याद आया मेरे को खाने पीने से, पानी भी मेरे को बहुत सारा पीना, आज मैं बिल्कुल नहीं पिया ना, तो दो तीन दिन से मैं थोड़ा पानी पी रही थी, तो मेरी बॉडी यूज्ड हो गया, तो मेरे लिप्स सूख रहे हैं, मैं अंदर से ऐसा हो गया, मेरे सेल्स ऐसे रो रहे हैं कि भाई पानी पिला दे हमें, तो हम पानी पीते हैं, थोड़ा सा चिल करते हैं, उसके बाद पक्का आज मैं दिवाली सफाई स्टार्ट कर दूंगी. एक अपने मिशन में बैठी थी, जो मेरे को था कि हर्ष का बर्थडे गिफ्ट ढूंढना है, क्योंकि अब उसका बर्थडे ऑलमोस्ट आ ही गया है 4-5 दिन का. तो मैंने कुछ नहीं सोचा हुआ था, उसने मुझे बोला था शूज़ वगैरह, बट आज उसकी स्लाइड्स टूट गई थी, तो मैंने सोचा वाई नॉट उसको स्लीपर्स स्लाइडर्स गिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि वो भी पहनता है स्लाइड्स, मैं भी बहुत पहनती हूँ. तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो इतने सुंदर लग रहे हैं मेरे को, दिखाती हूँ रुको, ये देखो एडिडास के कहाँ गए, अरे ये देखो ये वाले बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को, तो काफ़ी सटल से. वैसे का ब्लैक ही पसंद है, हम पता नहीं क्या चूल्हे, हमें ब्लैक ही ज़्यादा पसंद है, बट यस. तो मैंने फाइनली ऑर्डर कर दिया, मेरा एक काम तो हल्का हुआ. शूज़ का देखूंगी मैं, या तो कल कॉलेज के बाद जाऊंगी, या तो एक बार मैं शूज़ का भी देख के आऊँगी, बट यस सक्सेसफुली ऑर्डर्ड एक गिफ्ट, ये आ जाएगा उसके बर्थडे से पहले. तो मुझे ये व्लॉग का पार्ट भी उसे छुपाना है, मेरे को व्लॉग ये ना देखने देना उसको, और मेरे को फिर वो चप्पलें भी छुपानी है. होपफुली वेटिंग वो जल्दी से जल्दी आए, वो खुश है, तो यस हैप्पी. मेरे को ना बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा है कुछ खाने का स्वीट में, तो मैंने सोचा बाहर से ऑर्डर करूँ या बकवास चीज़ें ना खाने से बेटर. मेरा मन कर रहा है वो दूध वाले, मम्मी बनाती थी बचपन मम्मी बनाती थी बचपन में दूध वाले ब्रेड. मतलब वो क्या होता था, जैसे ब्रेड आप सेकते हो ना, तो उसमें ही मम्मी क्या कर, हाय पिंपल चमक रहा है ये मेरा ना, कल कुछ यहाँ लगा हुआ था, मैं उसको हटा रही थी, इसकी वजह से ये पिंपल आ गया, बताओ डम मी. तो मैं ये बोल रही थी, जैसे ब्रेड सेकते हो ना, तो मम्मी क्या करती थी, कटोरी में दूध और चीनी का मिक्सचर बना लेती थी, तो वो साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऐसे दूध लगाती थी सेकते टाइम, और वो मतलब सौगी बनते थे, बट वो दूध वाले क्या ब्रेड बनते थे गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती. तो मेरा बहुत मन कर रहा है जो वो नॉस्टैल्जिया फील करने का, तो मैं वो बनाने जा रही हूँ. तो लेट्स गो. गाइस फॉर द रेसिपी ऑब्वियसली यू नीड ब्रेड, मैं मल्टीग्रेन ब्रेड ले रही हूँ, फिर पाउडर शुगर, क्यों आप चीनी भी वैसे यूज़ कर सकते हो, पहले मैं चीनी यूज़ करती थी कैसे कैसे क्या निकल जाता है मेरा, प्लीज इग्नोर दैट. चीनी यूज़ करती थी, बट ना जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा ताकि मैं जल्दी खा पाऊँ, अपना पेट भर पाऊँ, तो इसलिए मैं पाउडर शुगर ले रही हूँ, वरना तो वो शुगर भी आप डाल सकते हो. तो मैं आप अपने अकॉर्डिंग डालो, मैंने इतना सा दूध लिया, और दूध ऑफ कोर्स, तो हम ये ऐसे चम्मच करते करते एक एक ऐसे डालेंगे, सेकते हो तो बस मिल्क वाले ब्रेड जो भी. अब यू गेट माई पॉइंट, समझ जाओ मेरे,
मतलब यहाँ से समझ जाओ दिल से, जो तो एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स आई एम यूजिंग अ नॉन स्टिक तवा, क्योंकि मुझे मम्मी से गाली खाने में कोई शौक नहीं है। जो मम्मी के मैं दूसरे तवे खराब करूँ ये चिपकेगा, ऑब्वियसली चिपकता है दूध की वजह से, तो इसलिए हम नॉन स्टिक तवा यूज कर रहे हैं। डिस्क्लेमर, ताकि ये या वो कुछ ना खराब हो और मेरे को गाली ना पड़े। दिवाली सफाई स्टार्ट नहीं करी है, वो तो हो गई क्योंकि पहले मुस्कान आ रही थी, हाँ मुस्कान का बता दी पहले, वो बिजी है, उसको पैकिंग वैकिंग करनी है, तो मैंने कहा सही है भाई दिवाली के अराउंड आएंगे तब मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका हेक्टिक हो रहा था थोड़ा, मैंने बोला सही है तू अपना कर। फिर उसके बाद मैंने ब्रेड बनाए, अब मैं थोड़ा सा काम कॉलेज का करने जा रही हूँ, फीडबैक्स वगैरह भरना है, वो सब काम कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं अगर स्टार्ट करूँगी सफाई तो लेट कर लूँगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है लेट, बट मम्मी ने कल बोला सुबह उठना जल्दी। कंजक जल्दी उठना पड़ेगा, कंजक के लिए उठना है जल्दी कल। ब्रूनो को मेरे साथ चला रही हूँ मैं, क्योंकि मम्मी उठेंगी 4:30-5 बजे, तो वो उठते ही मम्मी अगर पैर नीचे रख देती है जमीन पे तो वो एक्टिव हो जाता है और वो मम्मी के पीछे पीछे घूमता है, तो इससे मैं अपने रूम में उसको सुला के आई हूँ, सो गया तसल्ली से। बस उसकी आँख खुलेगी तो अलग बात है, मम्मा तशरी हैं ज्वेलरीज वगैरह देख रही हैं। नहीं करवा चौक की शॉपिंग हो रही है, और मेरे को अभी क्या हुआ, पापा को मेरे को थोड़े से पैसे मेरे मतलब मेरे पैसे मेट्रो कार्ड वगैरह में लग जाते हैं, तो मैं पापा से लेने थे, मम्मी से लेने थे, एक बंदे से लेने थे, तो पापा से पैसे तो मैं पापा से मैंने ले लिए थे, क्योंकि हर्ष का गिफ्ट ऑर्डर करना था, फिर मम्मी ने खुद से भेज दिए। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैं तो पहले आपको बताने नहीं वाली थी, मैंने कहा हड़प लो क्या कर रहे अपने तो घर के पैसे, तो मुझे लगा यार मैं इतनी सुधरी हुई बच्ची तो मैं बता देती हूँ। पापा से मैं पूछती आपके भांडा फूटता, इससे बेटर है मैं खुद ही बता दिया मैंने, बट अब मेरे वो पैसे यूज में आएंगे थोड़े से शायद। अगर मैं उसके कल शूज देखने जाऊंगी हर्ष के, तो मैं सोच रही हूँ शूज देखा हूँ उसके, अच्छा चप्पल मंगवा रही तो शूज भी देखने देना, तो एक चप्पल दे के खत्म कर बस, और क्यों देख रही है। मुझे बोला था दो शूज दे दिए, नहीं नहीं बस यही बैठा है लॉबी में वो, बट देखते हूँ मैं अगर अच्छी नगर मार्केट चले गया। हाँ चलो मेट्रो, मेट्रो जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, मम्मी मेट्रो में धक्के के लाएंगे मेरे को। लाजपत मैंने वैश को भी बोला था, वो भी कह रही थी जनपद या लाजपत, लाजपत में दिखा रखी थी। हाँ बहुत ज्वेलरी अच्छी है, ज्वेलरी भी वैसे भी दिवाली की भी। चलो गाइज एक बार वहाँ भी, यार मम्मी निकलना चाहिए ना गाइज, हम कभी नहीं निकलते, हम बचपन से पापा जाते हमें ना लेके भी जाते थे, अपनी गाड़ी होके भी ना पापा टैक्सी करके जाते दिल्ली में, अगर वो अभी भी होगा तो वो अभी भी टैक्सी करके ही जाएंगे, खुद नहीं जाएंगे। चलो अब तो जाते हैं, अब घर चलाने लग गया ना ऑब्वियसली, तो पहले ऐसे होता था, अब हम ज़्यादा घूमे नहीं दिल्ली, हम ज़्यादा गुड़गांव में घूमे या तो मैं नोएडा गई, उसके अलावा हम गुड़गांव में ही रहते थे, हम दिल्ली नहीं घूमे, मेरे लिए इसलिए बहुत नई नई जगह होती है नेहरू प्लेस वगैरह, तो यस तो वहाँ भी जाएंगे वो सब देखेंगे। दिवाली आते आते ना मेरा थोड़ा कीड़ा जग जाता, तो वो सब काम तो करते रहेंगे हम, बस मैं यही बता रही थी सफाई का अभी नहीं हो पा रहा है, मैं इतना बोल रही हूँ क्योंकि अभी कॉलेज का मेरे को पता थोड़ा से दिन और बचे, उसके बाद मेरे पास फ्री टाइम है, तो मैं तब कर पाऊंगी, इसलिए मैं ना थोड़ा टालती जा रही हूँ, तो आप भी सोचोगे कैसी टलोड़ी है टलोड़ी नया वर्ड इन्वेंट करे मैंने, टालना वाला टलोड़ी हूँ मैं, तो इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा, तो कॉलेज का काम करके अब मैं बस सोने जा रही हूँ, सब पेटी पैक होने वाला गाइस, क्योंकि सुबह कल सबको जल्दी उठना पड़ेगा, मेरे को ब्रूनी को संभालने के लिए, फिर मेरी क्लासेस है उसके लिए रेडी होना है जल्दी जल्दी जो भी है, फिर कंजक होनी है उनको खिलाना है, मस्त देना है उनके गिफ्ट्स, मम्मी ने ले आई है कल गिफ्ट्स वगैरह, सब कल ही देखना अब, तो मैं आपसे कल मिलती हूँ। हाँ मम्मा, मम्मी के संग गुड नाइट, मेरा फोन तोड़ दिया फोन। So that's it for the vlog guys, thank you so much for watching, like, share, subscribe kar do, jaake dusra vlog dekh mere fuck dekh, bye bye, good night, see you tomorrow, see you.